कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को आज नगर निगम द्वारा पटेल मैदान में सभी प्रवासियों की चिकित्सा जांच की गई और उन्हें बस के माध्यम से रेलवे स्टेशन पहुंचाया। वहां से सभी को ट्रेन द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया गया। आज फिर ये हमारा जो दूसरा गाड़ी आज 2 बजे यूपी के लिए जा रहा है, जो प्रवासियों को लेकर के, इसके लिए नगर निगम जो शहरी क्षेत्र था उसके लिए पटेल स्टेडियम में व्यवस्था की गई है। पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ डॉक्टरों का स्टाफ है जो इनका निरीक्षण कर रहा है और इनकी जो नंबरिंग है और जो हमारे पास जो लिस्टिंग है उस अनुसार इनका नाम वगैरह देके पूरी जांच करा के बस के द्वारा इन्हें रेलवे स्टेशन भेज रहे हैं। हमारे पास लगभग 300 का टारगेट है अभी कि 300 आदमी भेजने हैं। लगभग 150 करीब हमारे जा चुके हैं और आ रहे हैं, लगा रहे हैं, लगातार काम हो रहा है और 2 बजे ट्रेन है, उससे पहले पहले ये काम हम पूरा कर देंगे। कल रात को नगर निगम क्षेत्र का था, वो हमारा था, 500 आदमी हमारे यहाँ निगम क्षेत्र से गए थे, बाकी और पूरा मेरी जानकारी निगम क्षेत्र का कल शाम को था और हमारा वो टारगेट 500 का था और 500 का हमारे करीब आदमी पूरे चले गए। अजमेर से बनारस के लिए ये स्पेशल ट्रेन चलाई गई है और इसमें मोस्टली जो स्टैंडर्ड लेबर थे यूपी के वो जा रहे हैं। करीब 1338 फंसे हुए जो लेबर थे आज उनको भेजा जा रहा है और इनके लिए सभी के लिए मास्क और सैनिटाइज़र और इनके भोजन के लिए हमने भोजन के पैकेट्स और पानी के बोतल वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड की है। यूपी की लेबर सभी आज जितनी हैं मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग निकल चुके हैं और काफ़ी अच्छा उत्साह था। ये बहुत दिनों से स्टैंडर्ड थे, इनके घर में घर जाने की इच्छा थी और इस स्पेशल ट्रेन से इनको फ़ायदा पहुंचेगा और बिना किसी परेशानी के, जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि सड़क पे मजदूर चल रही है, तो इस स्पेशल ट्रेन के माध्यम से इन्हें बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाएंगे।